सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान। आज नए दिन की शुरुआत है। अभी समय हो रहा है 8:57। देखते हैं आज क्या किया जाए। अभी मैं उठा तो 6 बजे का हूँ और बस ऐसे ही थोड़ा वॉक कर रहा था, चीज़ें कर रहा था। अभी तो देखते हैं अभी क्या बनाए ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे कल तुम्हारे भाई को एज ए गिफ्ट में इलेक्ट्रिक तंदूर मिला हुआ है, सोच रहा हूँ आज इसी पे कुछ बना लूँ। नहीं तो अभी हमारे पास, अगर हम देखें फ्रिज में, हमारे पास दूध तो रखा ही है, अंडे भी हैं, हमारे पास ब्रेड भी है। देखते हैं क्या बनाया जाए इस इलेक्ट्रिक तंदूर का, कुछ तो यूज़ किया जाए। और यहाँ आपके भाई ने ब्रेड ऑमलेट बनाया है और थोड़ा कोकोआ पाउडर डाल के दूध में, वही पीऊँगा, बड़ा टेस्टी लगता है। और मैं बालकनी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो एंजॉय अच्छा खासा एंजॉय होता रहता है। और नीचे मैंने वीडियो चला रखी है दूसरे फ़ोन में, बस खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी का नाम ही एंजॉय करना है। सो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया, अब ज़रा नहाते हैं, नहा धोके तैयार होते हैं। एक बार टाइम हो रहा है 9:41, नहा धोके तैयार होके चलते हैं एक बार ऑफिस, फिर देखते हैं आज क्या करना है क्या नहीं। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सो अभी अपने ऑफिस में का बर्थडे था, अपना ये भाई है तो बर्थडे कंप्लीट हुआ। एक्चुअली उसका केक पे मिशो आईफोन ऐसे लिखा है, अभी उसने न्यू आईफोन लिया था और जैसे उसने लिया वो वैसे ही अगले ही दिन चोरी हो गया वो, तो वो किस्तें भी भर रहा है और सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक। अभी नाउ गोइंग टूवर्ड्स होम, अभी घर जा रहे हैं और अभी घर जाके चेंज करके फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे, मैं ही निकलूँगा दिलशाद गार्डन के लिए अपने दिल्ली वाले घर के लिए। अब वहाँ पे है कुछ थोड़ा काम है आज, और रुद्र से मिले हुए 2 दिन हो गए तो रुद्र से ही मिलेंगे, देखता हूँ डिसाइड कर रहे हैं, या तो अपनी धन्नों में जाऊँ या फिर आपको बताया हमारी डुकाटी या इसमें जाऊँ, चलो लेट्स सी, देखते हैं किस पे जाएंगे। ठीक है चलो मैं मिलता हूँ आपको इनमें से किसी एक पे चेंज करके। सो यहाँ राजनगर से तो निकल गए, आज सोच रहे हैं कि बाइक से ही चलें, थोड़ा बाइक से ही चलेंगे तो चलो लेट्स वेट फॉर द लिफ्ट। बहन जी आ जाएंगे अभी, 10वें फ्लोर पे है, दोनों चलती हैं वैसे तो। आठवा आएगा, ये वाली आई है शायद लिफ्ट, आ गई हमारी लिफ्ट, हम एंटर कर रहे हैं बेसमेंट। सो रेडी है, बेसमेंट में जा रहे हैं, बेसमेंट में जाके अपनी निकालेंगे बजाज वाली डुकाटी, फिर उसी से चलेंगे। आप दिखाते हैं आपको एक इंटरेस्टिंग फोटो बनाओ। सो ये हमारा कुछ सेटअप है मोटो ब्लॉग के लिए, अभी तो ये टेम्प्रेरी सेटअप है क्योंकि अभी हमने कुछ मंगा रखा है ऑनलाइन, जब वो आएगा हम आपको दिखाएंगे। अभी ये बताना कि आपको इस सेटअप से आपको चीज़ें प्रॉपरली दिखती है या नहीं दिखती है, आपको कैसा लगता है ब्लॉग, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें चेंजेस होगी तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट्स में करना, क्योंकि मैं फिर उसी हिसाब से चेंज करूँगा। सो आज की राइड हमारी जो शुरू होती है वो हमारी पार्किंग से स्टार्ट होती है, हम सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं अभी,
सोसाइटी मेरी काफ़ी बड़ी है, हाँ राजनगर में सबसे बड़ी सोसाइटी है मेरी। अब मुझे अजीब सा अपने कैमरा में ना मुझे थोड़ा अजीब सा ऐसा लग रहा है कि ये सामने हर एक चीज़ का जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे कमेंट में बताना कि क्या मुझे ही लग रहा है आप या एक्चुअल में है ये। सो ये देखना भाइयों, देखो अभी मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ इसमें कि रोशनी दे, देखो कितनी रोशनी कितनी हो गई हमारी इसमें। तो ऐसा नहीं है कि बाइक की लाइट एक वैसे दो लाइट्स बाइक की छोटी छोटी चल रही हैं, लेकिन जो हेडलाइट है उसमें थोड़ा इशू है, वो कभी जल रही कभी नहीं जल रही। तो मैं उस सेफ्टी पर्पज़ के लिए फ़ोन की लाइट चला के ही लेके जा रहा हूँ। सो अभी हमने कैमरा चेंज किया, एक्चुअली मेरा कैमरा की बैटरी ऑफ हो गई है, तो ये मैंने दूसरा कैमरा लगाया है, तो इसमें थोड़ा आपको देखो ब्लर सा दिख रहा है, मेरे को भी लग रहा है। ये देखो जान हथेली पे लेके आंटियाँ बीच में खड़ी है रोड पे, जस्ट इग्नोर हर। और इसमें क्या है कि ठीक है अभी थोड़ा ब्लर है, सॉरी फॉर देट, बिकॉज मैंने कैमरा चेंज किया है अपना, मेरा एक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो ये सेकेंड फ़ोन है, तो ये खाली हेल्प के लिए है। फिर भी आपको एक जिससे आपका चीज़ें रुके ना, तो इसलिए मोटो ब्लॉग कंटिन्यू रहे उसके लिए मैंने इसका यूज़ किया है। जब भी हम चला रहे हैं अपनी बाइक को तब ये थोड़ा हिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इन हर चीज़ का ध्यान रखूँगा अपने उसमें, कि नेक्स्ट टाइम जो मैं ये इसमें गलतियाँ कर रहा हूँ तो उसमें नेक्स्ट आपको वीडियो में सुधरी हुई मिले। बाकी तो बस ये देखो दो महानुभव, दुनिया सीधी जा रही है उल्टी जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग बिना हेलमेट के और बिना उस चीज़ों के इतना रिस्क लेके निकलते ही क्यों हैं। जैसे बेटर हो कि भाई निकल जाओ, हेलमेट ले लो यार कम से कम, कि कुछ भी हो भाई गाड़ी तेज़ आ रही हो जैसे भी हो एक्सीडेंट ना हो, रॉन्ग साइड अलग चलते हैं लेके, पता नहीं क्या है क्या। हम अब दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं, और ये देखो ये और दोबारा आए सामने, इनमें तो लठ बजे जितना हो सके, कि एक हाथ में डंडा रहना ही चाहिए, इनके भटाई भट होते। सो भाई लोग हम अपनी सोसाइटी में एंट्री कर रहे हैं, ये बेसिकली पुलिस स्टेशन है, जिसमें आगे देखोगे तो आगे ये पुलिस स्टेशन है और पीछे वो क्वार्टर्स हैं। तो बेसिकली हमारा एक क्वार्टर भी है यहाँ पे, तो मेरे फादर साहब यहीं पे ही रहते हैं, मदर फादर। तो बाकी बहुत लोगों की ये गलतफहमी है, ये सोचते हैं लोग कि पुलिस स्टेशन बहुत सेफ़ रहता होगा, देखो कहीं भी कुछ भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में हमारे यहाँ 18 गाड़ियों की बैटरी चोरी हो गई थी एक ही दिन में, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ें सेफ़ नहीं है यहाँ पे। चलो लेट्स देखते हैं कहीं पार्किंग की जगह अपनी बाइक पार्क करते हैं, फिर बाइक पार्क करके आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। सो बेसिकली आ गए सोसाइटी में, अब गोइंग टू होम। देखेंगे रुद्र भी होगा। ये देखो ये आपकी भाभी गेट खोलते हुए, राम रहीम कुछ करना नहीं। राम राम जी। ये देखो भाई दिन और रात एक रखी है सिलौंडे में, इसे मतलब नहीं पापा आए हैं कोई आया है। ये हमारी माँ ध्यान में। चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आ गए घर पे, ठीक है। आपको मिलेगा बताना कि बाइक से कैसा सेटअप हुआ मेरा, वो देखो पीछे स्पाइडरमैन। चलो ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान।